मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई थी शादी के दूसरे दिन मेरे ससुर ने मुझे और मेरे शोहर को हनीमून के लिए दुबई भेज दिया था जबकि मेरे शोहर अभी हनीमून के लिए नहीं जाना चाहते थे मगर मेरे ससुर ने हम दोनों को जबरदस्ती हनीमून के लिए भेज दिया था मेरे सास ससुर और मेरे दो देवर अलग घर में रहा करते थे और मुझे और मेरे शोहर को शादी पे उन्होंने एक अलग घर दिया था मेरे ससुर का मानना था कि हर किसी को अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का हक है इसीलिए उन्होंने शादी के वक्त ही मेरे शोर को अलादा कर दिया था मैं खुशी से हवाओं में उड़ रही थी क्योंकि मैं तो कभी शहर से बाहर भी नहीं गई थी न ही हम इतने अमीर थे वो तो किस्मत से मेरा रिश्ता इस घर आने में हो गया था मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया मेरे शोहर कुछ ज्यादा खुश नहीं थे उन्हें कारोबार की फिक्र सताई जा रही थी लेकिन अपने अब्बा के सामने वो ज्यादा कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि सब कुछ मेरे ससुर का था इसलिए वो मेरे साथ दुबई के लिए निकल गए पंद्रह दिन पलक छपकते ही गुजर गए शादी के शुरू के दिन ऐसे ही तो होते हैं एक दूसरे की संगत में वक्त का पता ही नहीं चलता अलबत् एक बात कुछ अजीब थी कि मेरे शोर का रवैया मेरे साथ कुछ उखड़ा सा लगता था मैंने जब वजह पूछी तो वो यही कहते थे कि मेरे कारोबार का बहुत नुकसान हो रहा है और ये बात मुझे समझ नहीं आती थी क्योंकि वहाँ मेरे ससुर सब कुछ देखने के लिए मौजूद थे फिर शोर को किस बात की फिकर थी अक्सर उनको फोन आता तो वो कमरे से निकल जाते थे मेरे सामने बात भी ना करते बस इसी तरह पंद्रह दिन गुजरे और हमने वापसी का सफर शुरू किया मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि इतनी जल्दी ये खूबसूरत दिन खत्म हो जाएं लेकिन वापसी की टिकट भी पहले ही बुक हो चुकी थी हम हवाई जहाज में बैठे तो मेरे शोहर ने थकन से आंखें बंद कर ली ना जाने वो किन ख्यालों में गुम रहते थे मुझे तो लगता था कि उनका दिल और ध्यान दफ्तर में ही रहता है अभी भी उनके चेहरे पर बहुत अजीब से तासरात थे मैं खामोशी से कुछ देर ही बैठी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नजरें मेरे वजूद पर जमी हों मैं नई दुल्हन थी हाथों में चूड़ियां चेहरे पर सुर्खी जेवरात भी पहन रखे थे मैंने जल्दी से अपना दुबट्टा ठीक किया और फिर यहाँ वहाँ देखा तो मेरी नजर दूर बैठे एक आदमी पर पड़ी जिसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी वो मुझे देखे जा रहा था मुझे बड़ी घबराहट हुई मैंने अपने शोहर की जानिब देखा जो अभी भी आंखें बंद किए बैठे थे पहले मैंने सोचा कि अपने शोहर को उठाकर उस आदमी के बारे में बताऊं, लेकिन फिर मुझे लगा मेरे शोर क्या सोचेंगे अभी हमारी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे इसीलिए मुझे अपने शोर के बारे में ज्यादा इल्म भी नहीं था मुझे डर था कि कहीं वो उससे झगड़ा करने ना चले जाएं। मैंने खुद ही ये सोचकर नजरें फेर ली मैंने अपना ध्यान उसकी तरफ से हटाया और फिर खुद अपनी आंखें बंद कर ली खुदा खुदा करके हवाई जहाज लैंड हुआ और मैं अपने शोर का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट से निकल आई घर पहुँच मैंने सुकून का सांस दिया मैं एक शरीफ खराने से ताल्लुक रखती थी और किसी गैर मर्द का और किसी गैर मर्द का खुद पर यू नजर जमाए रखना मुझे बहुत नागवार गुजरा था अगली सुबह मेरी अम्मा का फोन आया वो कहने लगी कि वापिस आ गई हो तो माँ से मिलने भी आ जाओ तुम तो ससुराल जाकर हमें भूल ही गई हो मैं जो अपना सामान खोलने के लिए बैठी थी अम्मा की नाराजगी सुनकर मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया और अपने शोहर से कहा कि मुझे मेरी अम्मा की तरफ छोड़ आए वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे मेरी बात सुनते ही फौरन से उठ खड़े हुए और कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊ मैं हैरान थी कि वो एकदम से कैसे मेरी बात मान गए हैं खैर ये बात मेरे लिए खुशी की थी मैं झटपट तैयार हुई और उनके साथ चल पड़ी लेकिन जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं मैंने एक नजर अपने शोर पर डाली उनकी नजर सड़क पर थी मैंने खिड़की से दूसरी नजर उस आदमी पर डाली जो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था वो मेरी तरफ देख रहा था मेरी जान निकलने लगी थी मैंने सोचा कि अपने शोर को बताऊं या फिर ना बताऊं ऐसी कोई बात बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी इसलिए खामोश हो गई मेरे शोर ने मुझे अम्मा के घर छोड़ दिया था और रात को लेने के लिए आने का कहा था मेरे पास सारा दिन था मैं अम्मा के गले लग गई और उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा शाम को छोटी बहन के साथ छत पर पहुंची तो एक दफा फिर मेरे होश उड़ गए क्योंकि वो आदमी मेरी अम्मा के घर के बाहर ही मौजूद था और मैं ये बात अच्छी तरह जान गई थी कि वो मेरा ही पीछा कर रहा है मेरे हाथ पांव कांपने लगे पता नहीं वो क्या चाहता था क्यों मेरे पीछे पड़ा था मैं तो उसे जानती तक नहीं थी पहली दफा मैंने उसे फ्लाइट में ही तो देखा था मैंने अपनी छोटी बहन की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर नीचे चली गई मेरा सारा ध्यान उस आदमी की तरफ अटक गया था मैंने अपनी माँ से भी ढंग से कोई बात ना की अम्मा कहने लगी अमीरों के घरों में ब्याकर क्या गई हो तुम तो हमें मुंह तक नहीं लगा रही फिर अब्बा कहने लगे बच्ची थक गई होगी इतने लंबे सफर से आई है सारा दिन ऐसे ही गुजर गया था रात को मेरा शोर मुझे लेने आया तो मैं अपने घर वापस लौट आई घर में दाखिल होते वक्त मैंने पलट कर देखा तो वो आदमी तब भी मेरे पीछे ही था समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं ये बात किसको बताऊं बताऊ को बताने की हिम्मत नहीं थी मैंने सोचा कि कुछ दिन ऐसे ही गुजार कर देती हूं क्या पता ये खुद ही चला जाए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अगले ही दिन मेरी सास का फोन आया वो मुझे अपने पास बुलाने लगी मैं ड्राइवर के साथ घर से निकली तो वो आदमी तब भी मेरे पीछे ही था सास के घर जाकर भी मुझे सुकून नहीं आया था मेरे ससुर ने मेरी बेचैनी महसूस की तो पूछने लगे कोई बात है क्या लेकिन मैंने इन में सर हिला दिया फिर यहाँ वहाँ की बातें होने लगी ससुर पूछने लगे दुबई से क्या क्या सामान लाई थी तुमने सामान खोल दिया है मैंने बताया कि मैं सामान खोल नहीं सकी अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी और आज यहाँ आ गई हूँ उन्होंने सर हिलाया और कहने लगे कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे कह सकती हो उनकी बात सुनकर मैं कुछ घबरा गई थी ऐसा लगा कि जैसे वो मेरा चेहरा पढ़ रहे हैं मैंने अच्छा किया और नजरें चुरा ली और फिर ऐसे ही कुछ वक्त गुजार कर अपने घर चली आई रात को बेचैनी से मुझे नींद भी नहीं आई थी मैं करवटें बदलती रही और फिर आधी रात को मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वो आदमी तब भी बाहर ही खड़ा था अब तो मेरी जान ही निकलने लगी थी न जाने वो क्यों दिन रात मेरा पीछा कर रहा था मैं सोच रही थी कि इस मसले का हल क्या निकालूं इतने में, में मेरा शोर उठकर मेरे पास आया और कहने लगा तुम इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हो मैंने सोचा कि मैं अपने शोर को सारी हकीकत बता दूं। मुझे डर भी लग रहा था और फिर मैंने अपने शोर को फ्लाइट से लेकर अब तक की सारी बात बता दी तब वो एकदम ही गुस्सा हो गया और कहने लगा मुझे तो यकीन है तुम्हें कुछ ऐसा किया होगा कि वो आदमी तुम्हारे पीछे यहाँ तक चला आया है और दिन रात घर के दरवाजे पर खड़ा है शोर की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई बचाई इसके कि वो मेरी मुश्किल समझता मेरी मदद करता वो मुझे ही कसूरवार ठहरा रहा था मैंने इनकार में सर हिलाया और अपने शोहर से कहा ऐसा कुछ भी नहीं है आप गलत समझ रहे हैं मेरा शोहर तंजिया हंसा और कहने लगा मैंने तो अब्बा को पहले ही कहा था कि इतने गरीब घर की लड़की लाने की क्या जरूरत है थोड़ा सा पैसा क्या देखेगी पागल होने लगेगी और देखो मेरी बात सच साबित हो गई तुम्हें पैसे वाला शोहर मिला तो तुमने पुराने आशी को भी साथ लगा लिया तुम हो ही बदजात मैं तो पहले ही तुम्हें जान गया था अपने शोर के ख्यालात जान कर मैं दंग रह गई मुझे यकीन न आया कि वो मेरे बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं क्या इसीलिए वो मुझसे खींचे खिंचे से थे क्या ये शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी मेरा शोर मुझे बातें सुनाकर वापस जाकर सो गया था और मैं सर पकड़कर बैठ गई थी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे ये क्या मुसीबत आ गई थी मैंने सोचा भी नहीं था कि शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे अपने शोर का ऐसा रूप देखने को मिलेगा जब कुछ समझ न आया तो मैं जाय नमाज बिछा कर बैठ गई और खुदा से दुआ मांगने लगी अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर दे यहाँ पर तो बात मेरा घर उजड़ने पर आ गई है मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा वो आदमी कौन था क्यों मेरे पीछे पड़ा था मैं नहीं जानती थी लेकिन उसकी वजह से मेरी जिंदगी जरूर उजड़ सकती थी मेरे वालिदैन कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे बड़ी मुश्किल से मेरी इतनी अच्छी जगह रिश्ता हुआ था मुझे क्या मालूम था कि रिश्ता मेरे सास ससुर की मर्जी से हुआ है और मेरे शोहर हसन की मर्जी इसमें शामिल नहीं है कम से कम हसन के रवैये से तो ऐसे ही लग रहा था जैसे वो इस शादी से खुश नहीं है सुबह वो दफ्तर के लिए निकल गए मैं सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह तड़पती रही शाम को वो वापिस आए तो तब भी कोई बात ना की खुद ही मेरा सामान खोलकर ना न जाने क्या कुछ तलाश करने लगे मैंने जानना चाहा तो मुझे बाहर धकेल दिया और कहने लगे दूर हट जाओ मेरा सारा सामान उन्होंने बिखेर कर रख दिया था वैसे भी ये मुख्तसर साहित तो सामान था इसलिए मुझे इसमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी थी मैंने बस अम्मा के घर जाते हुए अपनी बहन का तोहफा निकाला था जो मैं दुबई से उसके लिए लाई थी बाकी किसी चीज को छेड़ा भी नहीं था सारा सामान फैलाने के बाद मेरा शोर गुस्से से बाहर निकल गया ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरे किरदार पर शक हो गया हो वो कोई ऐसी चीज तलाश करना चाहते थे जिसके जरिए वो मुझे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल सके लेकिन मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी मेरा किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं था फिर काफी देर बाद मेरे शोहर वापिस आए उनका मिजाज तब भी ठीक नहीं था मैं अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देख रही थी मैंने उन्हें गाड़ी से उतर कर घर में दाखिल होते हुए देखा था जिस अंदाज में हसन ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया था ऐसा लग रहा था जैसे वो हर चीज को तहस नहस कर देंगे शायद मैंने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया था जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था कुछ देर मैंने कमरे में इंतजार किया लेकिन मेरे शोहर ऊपर न आए वो नीचे लाउंज में ही बैठ गए थे मैं परेशानी के आलम में खिड़की पर पहुंची, तो मेरी जान निकल क्योंकि वो वही शख्स घर में दाखिल हो रहा था उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उसका हमारे घर में आने के पीछे क्या मकसद हो सकता है यकीनन वो यहाँ कोई नई मुसीबत खड़ी करने के लिए आया था यही सोचकर मैं जल्दी से अपने कमरे से निकली और तेजी से लाउंज में पहुँची लेकिन जब तक वो मेरे शोर से कोई बात कर चुका था और मेरा शोर गुस्से से उसे देख रहा था जैसे ही मेरे शोर की नजर मुझ पर पड़ी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचा और उस आदमी की तरफ धकेल कर कहने लगा जाओ ले जाओ इस बद किरदार को इसी के लिए तुम यहाँ तक आए हो ना ये मेरे किसी काम की नहीं है मुझे ऐसी बदकिरदार बीवी नहीं चाहिए अपने शोर के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी मैंने कहा हसन खुदा के वास्ते ऐसी बात ना करें मैं इस शख्स को जानती भी नहीं हूँ मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन हसन को मुझ पर रहम नहीं आया वो कहने लगे तुम्हारा इसके साथ कोई ताल्लुक तो जरूर है जभी तो ये हमारे नाम लेकर यहाँ तक आ गया है वरना किसी गैर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी लड़की के लिए उसके शोर के सामने आवाज उठाए जाओ दफा हो जाओ इसके साथ हसन ने मुझे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था आधी रात को मुझे धक्के देकर निकाल दिया था उस आदमी ने मुझे अपनी गाड़ी में धकेला और गाड़ी चला दी मैंने गुस्से से उसे कहा कि दरवाजा खोलो और मुझे जाने दो वो तो जैसे बहरा हो गया था मैं अब तक नहीं समझ पाई थी कि वो कौन है और मुझसे क्या चाहता है मेरे शोहर ने क्यों मुझ पर एतबार ना किया और उस आदमी की हर एक बात पर एतबार क्यों कर लिया उस आदमी ने पता नहीं मेरे शोर से ऐसा क्या कहा था कि मेरे शोहर ने आधी रात को ही मुझे घर से निकाल दिया था फिर उसने मुझे आधी रात के अंधेरे में एक पागल खाने के सामने उतारा मुझे समझ नहीं आया था कि वो मुझे यहाँ क्यों लाया है वो मुझे खींचता हुआ अंदर ले गया वहाँ एक कमरा बना हुआ था जिसमें सुर्ख रंग की लाइट जल रही थी और सुर्ख कमरे में ले जाकर उसने मेरे हाथ पांव बांध दिए और फिर उस वक्त मेरी जान निकल गई जब उसने एक करंट वाली मशीन मेरे जिस्म के साथ जोड़ी और एक हल्का सा झटका मुझे दिया मेरा सारा वजूद लرز उठा था एक हल्के से झटके ने मेरी जान निकाल दी थी अब वो कहने लगा अगर तुमने मेरी हर बात का जवाब ना दिया तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा करूँगा और फिर उसने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर मैं दंग रह गई मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं है तुम किस बारे में बात कर रहे हो मेरी बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और वो कहने लगा तुम बहुत ही ढीठ हो लेकिन याद रखना हम तुम सच उगलवा कर रहेंगे मैंने परेशानी से उससे कहा कि मैं नहीं जानती तुम किस बारे में बात कर रहे हो वो कहने लगा दुबई एयरपोर्ट पर तुम्हारे बैग में गलती से मेरा सामान आ गया था मुझे वो ही चाहिए मैंने उसे बताया कि मैंने अपना सामान खोला ही नहीं था बल्कि मेरा सामान तो मेरे शोर ने गुस्से से बिखेर दिया था इसलिए मुझे नहीं मालूम कि उसमें तुम्हारा कुछ सामान था या नहीं ये सुनकर वो गुस्से से कहने लगा कि तुम्हारे शोहर को भी मेरा सामान नहीं मिला यकीनन तुमने ही उसे कहीं आगे पीछे किया है जैसे तुम नजर आती हो वैसे हरगिज नहीं हो उस आदमी की बात पर मैं हैरान रह गई उसे कैसे मालूम था कि मेरे शोहर को मेरे सामान में क्या मिला है और क्या नहीं और जब यही सवाल मैंने उससे किया तो जो जवाब उसने मुझे दिया वो सुनकर तो मेरे औसान ही खता हो गए थे वो कहने लगा कि मैंने पहले तुम्हारे शोर से अपना सामान मांगा था लेकिन उसे वो सामान नहीं मिला उसकी हर बात मेरी समझ से बाहर थी पहले उस आदमी का मेरा पीछा करना मुझ पर नजर रखना और अब ये कहना कि मेरे शोर से उसकी बात हो चुकी है मैंने कहा तुम मुझे ठीक तरह से बताओ तुम कौन हो और क्या चाहते हो किस सामान की बात कर रहे हो और मेरे सामान में तुम्हारी कोई चीज कैसे आई फिर उसने मुझे बताया कि वो कौन है वो अपने सामान की बात कर रहा है सच इतना भयानक था जिसे सुनकर यकीन करना भी मुश्किल था कितने ही लम्हे मैं सकते के आलम में उसे देखती रह गई उस आदमी ने बताया कि वो मेरे शोर का कजन है और वो और मेरा शोहर मिलकर दुबई से यहाँ हीरो की स्मगलिंग करते हैं जब मेरा शोर मुझे हनीमून के लिए लेकर गया तो वहाँ उसने कुछ कीमती हीरे भी स्मगलिंग की खातिर लिए थे और उसे मेरे सामान में छुपा दिया था ताकि अगर पकड़ी भी जाऊं तो मैं पकड़ी जाऊं और वो दोनों वो ही हीरों की तलाश कर रहे थे वो करोड़ों की मालिद के हीरे हैं और उनका मिलना बहुत जरूरी है मेरा शोर खुलकर सामने नहीं आना चाहता था क्योंकि वो हमेशा इसी तरह शादी करके बीवी को बाहर लेकर जाया करता था इसलिए वो अपने आप को जाहिर नहीं कर सकता था मैं अपने शोहर की पहली बीवी नहीं थी बल्कि वो तीन शादियां पहले भी कर चुका था और एक दफा स्मगलिंग करवाने के बाद वो उन्हें तलाक भी दे चुका था इसीलिए अब भी उसने अपने कजन का सहारा लिया मेरे ससुर ने जानबूझकर मुझे अपनी बहू बनाया था क्योंकि मैं गरीब घर से थी अगर पकड़ी भी जाती तो कोई मुझे बचाने न आता दरअसल मेरे ससुर का यही कारोबार था बेटा और बाप मिलकर स्मगलिंग का काम किया करते थे और मुझे शादी के नाम पर मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा था अब मुझे समझ आई थी कि शादी के अगले दिन ही मेरे ससुर ने मोहब्बत से मेरे हाथ में हनीमून के की टिकट क्यों पकड़वाए थे दरअसल वो तो मेरे जरिए हीरे स्मगलिंग करना चाहते थे लेकिन हैरत की बात ये थी कि मुझे उस हीरो के बारे में कुछ पता नहीं था मैंने तो किसी भी सामान को हाथ तक नहीं लगाया था इसीलिए वो जहाँ कहीं भी रखा गया था वहीं से मिलना चाहिए था लेकिन वो आदमी कह रहा था कि अब वो हीरे मेरे सामान में मौजूद नहीं है वो कहने लगा तुम्हारे सामान में एक छोटा सा सुर्ख रंग का डिब्बा था उसके अंदर तुम्हारे शोहर ने वो हीरा छुपाया था लेकिन अब वो डिब्बिया तुम्हारे सामान में नहीं है ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि वो सुर्ख रंग का डिब्बा तो मैंने अपनी बहन की खातिर खरीदा था उसके अंदर एक घड़ी थी मुझे क्या मालूम था कि मेरे शोहर ने उस घड़ी के डिब्बे के मखमल के नीचे ही हीरा ही छुपाया हुआ है जब हसन को तलाश करने पर भी वो हीरा ना मिला तो उसने अपने कजन से कहा कि वो मुझे यहाँ ले आए और मुझसे सच उगलवाए मेरे घर वाले मेरे बारे में कुछ पता भी करते तो मैं ही बदकिरदार साबित होती अब मैं सारा सच जान गई थी लेकिन मैं अगर ये बात उस आदमी को बता देती तो मुझे यकीन था कि वो मुझे यही मारकर चला जाता मैंने ला इल्मी का इजहार किया और यही कहा कि मुझे नहीं मालूम कि वो हीरा कहाँ है और फिर मैंने बड़ी चालाकी से ये कहकर उस आदमी के दिल में शक डाल दिया कि कहीं मेरे शोहर ने तुम्हें धोखा तो नहीं दिया क्यूँकी मेरा सामान मेरे शोहर ने खोला था हो सकता है उसे हीरा मिल गया हो और वो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ना देना चाहता हो मेरी बात सुनकर वो आदमी वाकई शक में पड़ गया क्योंकि उसे भी भी यही लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं जानती और एक हद हाँ तक ये बात सच भी थी मैंने उसका शक बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कह दिया कि मेरे शोहर और ससुर फोन पर बात कर रहे थे और वो दोनों किसी हीरे को फरोख्त करने का जिक्र भी कर रहे थे ये सुनकर उस आदमी ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगा तुम सच कह रही हो मैंने हाँ में सर हिलाया तो वो गुस्से से लाल हो गया मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा मुझे जाने दो मेरा तो कोई कसूर नहीं है अब तो तुम्हारा कजन भी मुझे नहीं अपनाएगा। वो मुझे तलाक दे देगा हम गरीब लोग हैं किसी को कुछ नहीं बताएंगे उसने सर इनकार में हिलाया और कहने लगा मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता तुम्हारा शोहर मुझसे धोखा करेगा इस बात का अंदाजा मुझे पहले ही था मैंने उस आदमी से कहा अगर तुम मुझे जाने दोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा आसानी होगी क्योंकि मेरे अब्बा पुलिस में रिपोर्ट करवाएंगे पुलिस तुम लोगों के पीछे लगेगी और फिर बहुत से मसाइल पैदा होंगे लेकिन अगर मैं वापस गई तो मेरे घर वाले भी खामोश रहेंगे और ये बात बाहर भी नहीं जाएगी तुम अपने तौर पर हीरे की तलाश कर लेना वैसे तो अब तक मेरा शोहर वो हीरा फोख कर चुका होगा ये कहकर मैंने खामोशी अख्तियार की तो वो सोच में पड़ गया और फिर कुछ सोचते हुए उसने मुझे आजाद कर दिया उसने मुझे धमकी दी कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी और मैंने भी वादा कर लिया था मैं वापस अपने मेके पहुंच गई थी मेरे माँ बाप मुझे देखकर हैरान रह गए थे मैंने बहुत सोच समझ कर अपने माँ बाप को सारी बात बता दी लेकिन ये बात नहीं बताई कि वो हीरा मैंने गलती से छोटी बहन को दिया है मेरे माँ बाप कहने लगे इतने खराब लोगों से रिश्ता तोड़ना ही बेहतर है मेरे अब्बा ने खुद ही मेरे शोर से बात करके मेरी तलाक करवा दी थी मेरा शोर ये सुनकर हक्का बक्का रह गया था कि उसके कजन ने मुझे छोड़ दिया है इस बात को चार ही दिन गुजरे थे और फिर मुझे पता चला कि किसी ने मेरे शोर को गोली मारकर हलाक कर दिया है और मेरे ससुर को इसी सदमे से हार्ट अटैक हो गया है मैं जानती थी कि ये काम जिसने किया होगा लेकिन मेरा खामोश रहना ही बेहतर था और फिर जब पुलिस ने तफ्तीश की और पता चल गया कि मेरे शोहर के कजन ने ही मारा था अब वो भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया था सारे मुजरिम खुद खुद अपने अंजाम को पहुंच गए थे मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लोग इस तरह एक दूसरे को मार देंगे मैंने अपनी बहन से पूछा कि वो घड़ी कहाँ है जो मैंने तुम्हें तोहफे में दी थी तब वो अलमारी से डिब्बा निकाल कर ले आई कहने लगी बाजी मेरी दोस्त की शादी आने वाली है ये घड़ी मैं वहाँ पहन कर जाऊंगी मैंने जल्दी से उस घड़ी का मखमल हटाया तो मेरी आँखें चमक उठी वहां हीरे चमक रहे थे मैंने चुपके से उन हीरों को अपनी मुट्ठी में ले लिया उस हीरे का असल हकदार कौन था मैं नहीं जानती थी लेकिन अब ये हीरा मेरे पास था फिलहाल तो मुझे खामोश रहना था उन हीरों को बेचकर हमारी किस्मत बदल सकती है लेकिन मैंने सुन रखा था कि इस तरह के हीरे खुले आम फरुख भी नहीं होते आप लोग मुझे बताएं कि मैंने ठीक किया है या गलत क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो भी तो सही नहीं था फिर ये हीरा मैं कैसे देती शायद मैं ही इसकी असल हकदार थी क्योंकि अगर मैं पकड़ी जाती तो मुझे न जाने कितनी बड़ी सजा मिलती और मेरे असल मुजरिम फरार हो जाते क्या आपको लगता है कि मेरा ये हीरा रखने का फैसला दुरुस्त है या गलत कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा